कल परसों से हम प्रार्थना में थे, परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमारे बीच में रहा। कल कितने लोगों ने अनुभव किया यीशु मसीह को वहां पर? सब ने किया। जो लोग नहीं आ पाए प्रभु उनको अगली बार लेकर आए। इतना अद्भुत मीटिंग था। कल हमने क्लियरली स्वर्गदूतों को देखा है, किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ सुना है। अद्भुत बातें कल हुआ। हालेलुया। आज मैं जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु, वो फिर से मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा जो कल हमने अनुभव किया वो हमारे जीवन में फिर से आज भी अनुभव होने पाए। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर आत्मा में एक बात बोला, वो नहीं उससे बढ़कर हर दिन होगा। हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कार्य कर रहे। मैं पिछले दिनों प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मैंने उस बात को यहाँ पर शेयर नहीं किया, लीडर मीटिंग में वो बात मैंने बोला था। तो रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने फिर से मेरे को वो बात रिवील किया कि वो बात आपके बीच में शेयर करने के लिए। मैं पिछले दिनों प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बेदारी परमेश्वर आप भेजेंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर भेजने जा रहे हैं। बोलो भेज दिया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने बेदारी भेज दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो थोड़ा सा जागे हो यानी जोश में रहे, नहीं तो जो यहाँ पर कोई भी बोर खड़ा होता है वो भी ना ठंडा पड़ने लग जाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से मैंने बोला, प्रभु आप बताएं कि एक बड़ी बेदारी आप भेजने जा रहे हो, और अभी हमने विश्वास करते प्रभु ने कल हम शुरू कर दिया, तो कैसे हम लोग उस बेदारी को संभालेंगे, कैसे उस काम को हम संभाल पाएंगे? परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, प्रभु किसी भी काम के से पहले कुछ तैयारी बहुत जरूरी है। एक शादी से पहले एक दिन में फटाफट तो शादी नहीं हो जाता, शादी से पहले तैयारियां शुरू हो जाता, कुछ तैयारी बहुत जरूरी है। मैंने प्रार्थना की, प्रभु क्या तैयारी हमको करना है, जाइन को आप बताओ, तो बेदारी को हम लेकर हमेशा के लिए चल सके। हमने सुना है अभी तक अलग अलग जगहों पर बेदारी आया, अलग अलग जगहों पर रिवाइवल आया, वहां पर बेदारी आकर रुक गया, तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगा शायद जो रिवाइवल रुक गया। लेकिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु ये बेदारी रुकने ना पाए, हमेशा ये बेदारी उमड़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, जब तक यीशु का आगमन ना आए, जब तक ये बेदारी रुकने ना पाए। तो मैंने बोला, प्रभु ऐसा हम क्या करें हम बताओ। पवित्र आत्मा ने एक बात क्लियरली, बहुत देर उपवास में बैठकर प्रार्थना करते समय काफी देर के बाद एक आवाज मैंने आत्मा में होकर सुना। पवित्र आत्मा ने क्लियर बोला, इस बेदारी को तुम लेकर चल पाओगे, इस बेदारी को तुम संभाल पाओगे, इस बेदारी में तुम इस्तेमाल भी हो जाओगे। एक चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा ने बोला, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो इस बेदारी को संभाल पाएगा। हालेलुया। बोलो सीधे बोलो, आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपसे सच बोल रहा हूं, ये मैंने आपको ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाया, ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पूछा, प्रभु यदि कल पास्टर ने आपने खड़ा किया तो क्या बोलो, एक ही बात पवित्र आत्मा ने बोला, वही बात तो मैंने तुझे बोला, तूने बोला नहीं है, लोगों को बताना। कल इस सेकंड प्रेम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, हम सबको प्रेम में बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। मैंने देखा कुछ पिछले दिनों में, मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा भी है, या कुछ लोग हमेशा परमेश्वर से आत्मिक वरदान और परमेश्वर की सामर्थ को मानते हैं। वो मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12:31 में लिखा हुआ, पौलुस भी बोलते हैं कि परमेश्वर के बड़े बड़े आत्मिक वरदानों की धुन में कलीसिया लगे रहने पाए। हालेलुया। लेकिन नीचे एक बात पौलुस ने बोला, लेकिन उससे भी उत्तम एक मार्ग में तुम सबको बताता हूं, और नीचे 13 अध्याय में 1 कुरिन्थियों के हेडिंग में लिखा हुआ है, सबसे उत्तम मार्ग प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। जब मुझे समझ में आया, परमेश्वर सामर्थ तो ठीक है, आत्मिक वरदान भी ठीक है, लेकिन उन सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहते हैं हम सबके अंदर परमेश्वर का प्रेम भर जाए। पिछले दिनों प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, मैंने बोला, प्रभु जो हम प्रार्थना करें लंगड़ा चंगा हो जाए, अंदर को हम प्रार्थना करें अंदर देखने लग जाए, सब बातों में प्रार्थना कर रहा था, वो सब होने पाए। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात क्लियरली बोला, बेटा वो तो काम होने लग जाएगा, कोई टेंशन मत लो, प्रार्थना करेंगे लंगड़ा चंगा हो जाएगा, अंदर देखने लग जाए। लेकिन मैं सच बताऊं, जब मेरा हृदय जब आनंद होता है तो मैं लंगड़े के लिए प्रार्थना को लंगड़ा दौड़ने लग जाए, उससे मेरे को इतना आनंद नहीं मिलता। लेकिन एक लंगड़े को यदि तुम प्रेम करते हो, उसके ऊपर दया करते हो, उसके ऊपर करुणा करते हो, उस समय मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। हालेलुया। बोलो, हमें प्रेम करना है।
जब मुझे समझ में आने लगे सचमुच में परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है एक यूहन्ना 4:8 में लिखा हुआ है और 16 में भी ऐसे लिखा हुआ है, जितने लोग कभी प्रेम नहीं करते उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। हालेलुया। हम में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ध्यान से समझ लो ना, यदि यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को प्रेम नहीं करते, हम आपस में प्रेम नहीं करते, यहाँ पर सच्चाई एक बात समझ लेना, हमने यीशु को जाना नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। जब परमेश्वर प्रेम है हमारे अंदर भी प्रेम होना बहुत जरूरी है। यदि कलीसिया में हम सबके अंदर प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है, हमने यीशु को भी जाना नहीं। हमें बोलो यीशु को जानने की जरूरत है। पड़ोसी को बोला आपको यीशु को जानने की जरूरत है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने कुछ बातें मेरे को समझाया था। मैं पीछे बैठे मुझे अकेले में यही बातें मैं रिवील कर रहा था। एक बात परमेश्वर मुझे समझा रहे थे, एक व्यक्ति आत्मा से भर जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा, परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भर जाएगा और दुनिया में जाकर इस्तेमाल होने लग जाएगा, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है। एक सच्चाई पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया, परमेश्वर के किसी काम का वो नहीं है। क्योंकि बाइबल में 1 कुरिन्थियों 13:10 के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, यदि उसके जिसमें प्रेम नहीं है वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है, चाहे उसके द्वारा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो, उसके द्वारा अंधे देखने लग जाए, नंगे चलने लग जाए, अद्भुत कार्य उसके द्वारा शुरू हो जाए, लेकिन प्रेम नहीं है, बाइबल कहती है वो कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है अपने आप को जलने के लिए भी यदि कोई दे दे हो लेकिन प्रेम नहीं करता उसके लिए कोई लाभ नहीं है। अपनी संपत्ति यदि सबको दे दिया, उसने गरीबों को कंगालों को दे दिया लेकिन प्रेम नहीं है, उसके अंदर कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रेम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर एक बार समझाया। एक बार मैंने एक ऐसे स्टोरी पढ़ा था, उस स्टोरी मैंने पढ़ा एक बहुत सामर्थ्य एक व्यक्ति था, जवान व्यक्ति था, परमेश्वर के सामर्थ्य से और आत्मिक वरदानों से बहुत ज्यादा भर गया और दुनिया में उसका लोगों में चर्चा फैलने लग गया, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर देते अद्भुत रीति से। एक जगह पे एक सभा में उसको बुलाया गया, सब लोग उसके बाद बीमार आए प्रार्थना कराने के लिए, अद्भुत बहुत सारी भीड़ की भीड़ आई, वो प्रार्थना करने लगे, बीमार चंगे होने लग गए, अद्भुत कार्य उसके द्वारा होने लग गया। उस समय में एक स्कूटर वाला रोड पर जा रहा था, स्कूटर वाले को पता चला चंगाई की सभा हो रहा है, लोग चंगे हो रहे, उसके 12 साल से पेट में बहुत दर्द था, वो भाग कर गया उस व्यक्ति के पास जाकर उसने भी बोला क्या पास्टर जी मैं ले प्रार्थना करूं, मैं 12 साल से इस पेट के दर्द से बहुत तड़प रहा हूं। उस पास्टर ने उसके ऊपर हाथ बढ़ा के प्रार्थना किया लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। उसने बोला मेरे को दर्द अभी भी हो रहा है, उसने जूता पहना, उस पास्टर ने उसके लात मारी बड़ी तेज की पेट में, वो दूर जाकर गिर गया और वो इतना उसका जो पेट का दर्द था डबल हो गया, वो इतनी तेज की भागा अपने स्कूटर लेकर वहां से निकल गया। उसने बोला देखा मैंने बोला था ना ये दुष्ट आदमी कभी कभी ऐसे निकलते। हालेलुया। लेकिन उसके नीचे स्टोरी में लिखा है जिस परमेश्वर के व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो ऐसी ऐसी गलत हरकतें भी उनके जीवन में होते हुए। हालेलुया। हमने सुना है कहीं कहीं पर परमेश्वर के दास लोग या कुछ लोग इस रीति से भी दुष्ट आत्माओं को या बीमारों को चंगा करते हैं, लेकिन आप समझ लेना परमेश्वर यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह के बाद जब बीमार आते थे यीशु मसीह के बारे में लिखा यीशु प्रेम से भरकर तरस से भरकर बीमारों को छूकर चंगा किया। हालेलुया। हम सबका आदर्श यीशु मसीह है। उस समय जब फास्टिंग पीरियड में परमेश्वर ने बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था यीशु मसीह जब चेले बहुत सारी परमेश्वर की सेवकाई कर आए, अद्भुत सेवकाई कर आए, आके यीशु को बता रहे थे यीशु मसीह हमने अद्भुत कार्य किया आपके नाम से, बीमार देख रहे थे, चंगे हो रहे थे, अद्भुत कार्य हो रहे थे, और वहां पर लिखा है यीशु ने बोला जाकर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि अभी तो ये तो आना जाना लोगों का चलता रहेगा, ये तो बेदारी शुरू हो गया, बीमार चंगे होते रहेंगे, ये सब कार्य होता रहेगा, लेकिन जाकर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। यीशु मसीह और वो नाव में जो रेस्ट के लिए जा रहे थे उस समय में लिखा हुआ बहुत बड़ी भीड़ ने उन्हें जाते हुए देख लिया और वो चेलों के यीशु मसीह के पीछे पैदल दौड़े नाव से पहले झील के उस पार, पता नहीं कैसे पार से पता नहीं कहां से बाइबल में लिखा हुआ है, ये चेलों से पहले उस पार पहुंच गए और उनसे चंगाई पाने की आशा में बैठ गए। लेकिन बाइबल में लिखा चेले लोग थोड़ा सा निराशा हो गए या कुछ हो गए होंगे, इतनी भीड़ वापस आ गया, आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा, खाने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है यीशु ने उस बड़ी भीड़ को देखा और तरस से भर गया और यीशु मसीह ने बोला ये भीड़ ऐसे लग रहा है जैसे इनका कोई चरवा नहीं है, भटकी हुई भेड़े है, इनको वचन सिखाना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हम सबको प्रेम में बढ़ना है।
पवित्र आत्मा पिछले दिनों से मेरे को एक ही बात समझा रहे हैं, यदि आपके अंदर अभी भी रिवाइवल के लिए प्रार्थना चल रहा है सब जगह पे, उधर भी इधर भी सब जगह पे, लेकिन मैं एक ही बात प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझ में अपना सच्चा प्रेम भर दे, वो अपना पवित्र प्रेम मेरे अंदर भर दे। क्योंकि बाइबल में मैंने एक बात नोट कर लिया चारों तरफ से, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है सबसे सामर्थ्य व्यक्ति वही है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस बात का निचोड़ बाइबल से सीख लिया, जो व्यक्ति के अंदर आत्मिक वरदान और सामर्थ्य पाए जाते हैं और उसके अंदर प्रेम नहीं है, बोलो बेकार है, परमेश्वर की नजरों में कोई काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ही नहीं हो। हालेलुया। लेकिन मैंने सीखा परमेश्वर से, यदि आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है आप सबसे सबसे ज्यादा आत्मिक वरदान और सबसे ज्यादा सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। क्योंकि बाइबल यूहन्ना का 14:21 में ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा, जो मुझको प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और जो मेरी आज्ञा मानेगा मेरा पिता उसको प्रेम करेगा, और जब मेरा पिता उसको प्रेम करेगा मैं और पिता उसके पास आ जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आई ये बात? हालेलुया। मान के चलो ये भाई है, ये पिता है, ये पुत्र है, पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी हमारे साथ है। यीशु मसीह ऐसे बोल रहे हैं, यदि मैं यीशु को प्रेम करूंगा, मैं यीशु की आज्ञा को मानूंगा, तो आपको मालूम है पृथ्वी पर क्या होगा, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ चलेंगे। हालेलुया। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा यानी पूरा स्वर्ग अभी मेरे साथ साथ चल रहा है, परमेश्वर सब स्वर्ग यहां पर आ गया, स्वर्गदूत अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे? हालेलुया। पूरे स्वर्गदूतों की सेना भी मेरे साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा पृथ्वी पर क्या हो सकता है, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा किस रीति से प्रकट करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है, वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गया, आज बड़ा और कल गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं, कहां चला गया। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति घमंड उत्पन्न हो जाएगा और संसार की बात उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और थोड़े दिनों के बाद वो शायद गायब हो जाएगा, मिलेगा नहीं, कहां पर थी सेवकाई और कहां था वो, कौन सी चर्च का था, कोई अता पता भी नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन इस व्यक्ति के प्रेम में वो अनंत काल तक टिका रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया। मेरी आप सबसे एक ही विनती है, आप सबसे मैं विनती करके बोल रहा हूं, कलीसिया में इन दिनों जब बेदारी शुरू हो चुका है तो कुछ भी होता रहे, अंधा लंगड़ा लूला भैरा कुछ भी चंगा होता रहे, लेकिन आपके अंदर एक ही बात रहना चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे यीशु के प्रेम में बढ़ना है। जब भी आप देखते हैं अंधे लंगड़े चंगे होंगे हो गए आपके द्वारा, आप घर पे जाके घुटने टेक के प्रभु को प्रेम करना, प्रभु को आराधना करना, यीशु को स्तुति करना। आप दिमाग में मत लेना क्या हो गया, कौन अभी चंगा हुआ था, अगली बार आके रिपीट भी मत करना कि मेरे द्वारा ये वाला अंधा चंगा हुआ, मेरे द्वारा वो वाला लंगड़ा चंगा हुआ। क्योंकि आपने दिमाग में एक बार समझ लेना ये बात अब नॉर्मल होता जाएगा, कितना आप रिपीट करोगे, हालेलुया, कितना लोगों को बताओगे कि ये मेरे द्वारा हुआ। एक ही बात समझना, ये सब यीशु मसीह करते रहेंगे, मुझे यीशु के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात एक दिन समझाया, बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 9:9 में लिखा हुआ है 16:13-14 में शायद ऐसे लिखा हुआ है कि पुराने मशकों के अंदर नया दाखरस नहीं डाला जाता। ऐसा करने से क्या होता है, ये पुराना मशक फट जाएगा और दाखरस और ये मशक दोनों बेकार हो जाएगा। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा पूछ रहा था, परमेश्वर ये मशक क्या है एक बार ढंग से समझा दो, पवित्र आत्मा ने एक बार मुझे समझा दिया, ये मशक कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा देह है। हालेलुया। ये दाखरस और कुछ और नहीं है, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य जो परमेश्वर हमें उड़ेलना चाहते हैं। लेकिन पुरानी मशक है, ये पुराना शारीरिक स्वभाव, पुराना स्वभाव हमारे अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर यदि उसको उड़ेल देगा, आप ध्यान रख लेना दोनों नाश हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहते हैं कि यदि नया मशक है तो नया मशक वो दाखरस में उंडेला जाएगा, उससे दोनों सेफ रहेगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो ऐसे, वहां पर मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक अच्छे चरित्र के बर्तन के अंदर परमेश्वर अपना अभिषेक को उंडेल देते हैं। हालेलुया। बोलो ये अच्छा चरित्र बनना है, अच्छे चरित्र का बर्तन बनना है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप कोई भी बता सकते हैं पास्टर जी ने पिछले महीने में पहले संडे कौन सा प्रचार किया था, कोई बता सकता है यहां पे? नहीं बता सकता, सब भूल जाते यहां से जाने के बाद, लगभग आधा प्रचार तो सब लोग भूल जाते हैं।
लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आज आप आने वाले समय में आप में से एक एक व्यक्ति और अभी भी आप सब जगह बाहर जाके यीशु के बारे में बताते हैं, सब लोग जाके यीशु का प्रचार करते हैं, आप में से अधिकतर सब लोग बताते हैं, जब भी तो नए लोग आते हैं, आप सब प्रचारक है। हालेलुया, यहीं पे प्रचार करने वाला प्रचारक नहीं है, आप सब लोग प्रचारक है, बाहर जाके आप यीशु का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझको बोला आपके प्रचार तो कल को वो व्यक्ति भूल जाएगा, लेकिन आपका चरित्र एक व्यक्ति ने एक बार देख लिया वो जल्दी से भूल नहीं सकता। हालेलुया, एक बार आपको देख लिया यीशु के प्रेम से भरकर, यीशु की दया से भरकर, यीशु की करुणा से भरकर, यदि आपको लोगों ने देख लिया है, आप विश्वास कर लेना उस व्यक्ति ने सुसमाचार सुन लिया और वो व्यक्ति वापस जाएगा नहीं, वो यीशु के पास आ जाएगा। इस दुनिया में सब लोग चाहते उन्हें कोई प्रेम करने वाला एक सच्चा और एक ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, लेकिन कोई ना मिलने के कारण सब लोग उसी बात में सब धोखेबाज है। हालेलुया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके लिए मेरे एक अच्छा एक परमेश्वर का दया है कि हमें ऐसा प्रेमी परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर मिल गया जिसको देखकर हम जी सकते हैं। पिछले दिन एक भाई ने गवाही बताया, वो एक जगह पर काम करने के लिए गए थे, वहां दो मसीह लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा क्या आप वो बाइबल पढ़ रहे थे, तो उनको लोग वहां के स्टाफ ने पूछा आप भी मसीह हो क्या, आप क्रिश्चियन हो? उसने बोला हाँ मैं मसीह हूं। बोला हमारे यहाँ और दो ऑलरेडी क्रिश्चियन में यहाँ पर काम करते, वो सब बेकार है, सब नशा करते, लड़ाई करते, हमेशा गाली बकते रहते, बेकार एकदम, तुम भी ऐसे ही होगे। उसने कहा नहीं नहीं हमारा यीशु ऐसा नहीं है, हमारा यीशु प्रेमी है, पवित्र है। उसने बोला क्या भैया, बहुत यीशु था लेकिन सब कहते चर्च में जाके बदल जाते, ये भी तो चर्च जाते। उसने कहा कोई बात नहीं, उसने एक निर्णय लिया मैं यहां रह के अपने यीशु को प्रकट करूंगा। उसने कम से कम 2 महीने वहां पर रहा और उसने वहां रहकर कुछ और नहीं किया, अपने स्वभाव से यीशु मसीह को प्रकट करने की कोशिश किया, अपने चरित्र से यीशु को प्रकट करने की कोशिश किया। उसने बोला वहां के मैनेजर ने 2 महीने बाद बोला यार आपके जैसा अभी तक व्यक्ति ने हमारे यहां पर काम नहीं किया, आप आके हमारे स्टाफ को टीचिंग दो कैसे जीना चाहिए। हालेलुया, समझ में आ रहा है क्या? एक सच्चे मसीह में और उस सांसारिक मसीह लोगों में यही फर्क है। अधिकतर लोगों ने यीशु के नाम को बदनाम करके रख दिया, कारण वो ये संसार में जी रहे हैं, अभी भी यीशु को जानकर अपनी मर्जी पर चल रहे। हालेलुया, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। हालेलुया, बोलो हमें यीशु को प्रकट करना है, बोलो हमें प्रेम करना है, वो सबको प्रेम करना है, अपने पड़ोसी को बोलो सबको प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मेरी एक यही प्रार्थना है आपसे, आप जाइन में हम सब लोग एक परिवार है, सारी बातों को छोड़कर एक चीज सीख लो, बाइबल का निचोड़ है। पौलुस ने बोला रोमियो 8:13 में लिखा हुआ है प्रेम को छोड़ के किसी और बात के कर्जदार ना होना। हालेलुया, गलातियों 5:12 में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला है विश्वास भी प्रेम के द्वारा प्रभावशाली हो जाता है। हालेलुया, आप कहते हैं मैं यीशु पर बहुत विश्वास करता हूं, यदि आप यीशु को प्रेम करते हैं तो आप समझ लेना आपका विश्वास और भी ज्यादा प्रभावशाली